हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास आई हुई है होंडा शाइन 125 BS6 FI वाली वेरिएंट है। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, इसके अंदर यहाँ पे फ्यूल पंप नया असेंबल किया गया है। ये देखिए पंप असेंबली इसकी नई लगी हुई है, और इसका आपको बता दें कुछ ही समय पहले इसका इंजेक्टर भी रिप्लेसमेंट हुआ था। ये देखें नया इंजेक्टर लगा हुआ है। अब क्या हो रही है कि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। सबसे पहले आपको इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं। देखिए इग्निशन ऑन कर दिए, गाड़ी में कोई वर्किंग नहीं, गाड़ी का सेल्फ भी नहीं ले रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि गाड़ी जब सेल्फ नहीं ले रही तो किक से तो स्टार्ट होना चाहिए, किक से क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, गाड़ी को आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे कहां से प्रॉब्लम है उसके बारे में बताते हैं। उससे पहले चलिए आपको राइट साइड ले चलते हैं, और वहां पे आपको दिखाएंगे स्पार्क प्लग दो रिप्लेसमेंट कर लिया गया है। टाइमिंग नहीं देखे हैं इसका, कंप्रेसर भी परफेक्ट है। अब चलिए चेक करते हैं एक एक चीज़ों का कहाँ से है प्रॉब्लम और क्यों गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये देख पा रहे हैं इसके अंदर ये स्पार्क प्लग लगा हुआ था, इसको रिप्लेसमेंट किया मैंने, और यहाँ पे ये स्पार्क प्लग लगाया फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब आपको इसके अंदर करंट चेक करा देते ताकि आपको प्रूफ हो जाए कि इसके अंदर गाड़ी में करंट प्रॉपर तरीके से आ रहा है। करंट आ रहा है उसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अजीब समस्या है। तो मैकेनिक दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको करंट चेक कराते हैं। बस छोड़ दो, तो आपने देख लिया इसके अंदर करंट एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब चलिए आपको फ्यूल की सप्लाई दिखाते हैं कि नया पंप लगाने के बाद ये तो नहीं कि की पेयरिंग का लोचा हो गया, जो नया पंप असेंबल नहीं करने के बाद फ्यूल प्रॉपर तरीके से छिड़काव नहीं कर रहा। चलिए आपको फ्यूल की सप्लाई दिखाते हैं। तो इस फ्यूल पंप वाले नोब को हम ओपन कर लेते हैं और आपको इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं। ऑन करो, बस कर दो। तो आप देख पा रहे हैं फ्यूल की भी प्रॉपर सप्लाई हो रही है। अब मेन यहाँ पे जो इशू होता है कि गाड़ी, चलिए किक से स्टार्ट तो हो जाना चाहिए, सेल्फ से ना ही हो रहा, सेल्फ का कोई और अदर इशू हो सकता है, उसका हम अलग से चेकआउट करेंगे। बट अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ से फ्यूल की भी सप्लाई है, इंजेक्टर में 12 वोल्ट की सप्लाई है, स्पार्क प्लग नया है, फिर भी गाड़ी किक से स्टार्ट नहीं हो रही है। चलिए आपको फिर से दिखाते हैं। तो इसके स्पार्क प्लग लगा के नया स्पार्क प्लग लगाए हैं और इसके होल्डर को लगा दिए हैं। अब चलिए गाड़ी का किक अप्लाई करते हैं और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी हमारी किक से स्टार्ट होगी या नहीं। चाबी ऑन करो, चलो हमारा स्टार्ट। मारते रहो, मारो मारो। तो मैकेनिक दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इसका कंप्लीट चाबी ऑन है, उसके बाद भी गाड़ी का फ्यूल का सप्लाई प्रॉपर है, इसके कंप्लीट स्पार्क प्लग ने आपने देखा नया है, करंट भी आ रही फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो कहां से है समस्या, किस तरह से जब भी आपके पास प्रॉब्लम आती है ना BS6 में, और देखें बैटरी भी नई असेंबल है, इसके अंदर एक साइड की बैटरी थी, चेकआउट करने के लिए एमको का बैटरी भी लगा दिया गया है, फ्यूज बॉक्स रिले सारा चीज चेकआउट कर लेना, बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं जब भी आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम आए तो क्या क्या चीज चेक करना चाहिए। तो आपने देखा पंप भी सप्लाई है, इंजेक्टर भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, अब गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा उसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा इसका टाइमिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि गाड़ी स्टार्ट होकर आई थी, तो गाड़ी स्टार्ट होकर आई थी उसके बाद बंद पड़ गई है पंप लगाने के बाद, तो ये तो थोड़ी ना कि टाइमिंग आउट हो सकता है, तो थोड़ा सा टाइम जाएगा इसमें। पहले हम चेकआउट करते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है, फिर आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, मेरी जो वीडियो होती है मेन बनाने का मोटिव आप सभी मैकेनिक भाइयों के साथ सच्चाई इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ताकि आपके पास जो गैराज में गाड़ियाँ आए ना, तो आप उसे आसानी से रिपेयर कर सकें। अब देखिए, अब इसके इंजेक्टर को ओपन किया और आपको बताएं कि इसके अंदर नया इंजेक्टर कुछ ही समय पहले मैंने वीडियो शूट करके डाला है। अब क्या है कि गाड़ी का किक या सेल्फ अपलोड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इंजेक्टर में कोई सप्लाई है ही नहीं। आपको चलिए फिर से किक का अप्लाई करके दिखाते हैं, किक का यूज करेंगे और यहाँ पे आपको कोई सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा। इग्निशन ऑन कर दिए, मारो मारो, देखिए कोई सप्लाई नहीं, एक जरा सा भी इसके अंदर छिड़काव देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ ही यही कन्फ्यूजन की वजह से फिर से मैंने इसके अंदर एक साइड की बैटरी डाल दी है, ताकि हो सकता है इसके अंदर ज़्यादा लोड पड़े और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आए। अब कनेक्शन लगाओ, कनेक्शन टच करो हाथ से, अब मारो किक, ये देखिए एक जरा सा छिड़काव नहीं। तो मेन यहाँ पे देखिए इंजेक्टर फेलियर का फिर से प्रॉब्लम आ रहा है। देखते हैं सबसे पहले एक बार इसके अंदर फिर से नई बैटरी यूज करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारी गाड़ी में इंजेक्टर का छिड़काव आता है कि नहीं। जब BS6 आती है कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, अभी कुछ भी इसका वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं कहना दोस्तों, फिर से इसके अंदर नई बैटरी ऐड कर रहे हैं, ये जो ओल्ड वाली है इसको यहाँ से साइड कर दे रहे हैं, नया बैटरी यहाँ पर लगा रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कोई मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिलेगा या नहीं। तो इसको लगाते हैं फिर आपको हम दिखाते हैं दोनों स्क्रू को टाइट करने के बाद। तो मैं कहना दोस्तों, बैटरी लगाने के बाद चलिए आप किक का अप्लाई करते हैं और आपको छिड़काव दिखाते हैं।
तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कोई भी एक जरा सा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, एक जरा सा भी इसके अंदर फ्यूल की सप्लाई देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसके अंदर दूसरा एक इंजेक्टर असेंबल करते हैं। अभी तक प्रॉब्लम तक फाइंड आउट नहीं हो पाता क्योंकि जब BS6 आती है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए इसके अंदर जो इंजेक्टर है इसको असेंबल करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या छिड़काव वगैरह दिखता है या नहीं। तो इंजेक्टर को रिप्लेसमेंट करने से पहले सबसे पहले इसके वोल्टेज को चेकआउट कर लेते हैं कि क्या रीडिंग प्रॉपर आ रहा है कि 12 वोल्ट की जो आना चाहिए। तो चलिए इसके अंदर रीडिंग चेक करते हैं ब्लैक वाले वायर में। अगर 12 वोल्ट की सप्लाई होगी तो फिर प्रॉपर तरीके से हमारा इंजेक्टर का ही इशू होगा। तो चलिए वोल्टेज चेक करते हैं। तो मैं कहना दोस्तों देख पा रहे हैं इंजेक्टर की सप्लाई जो एकदम प्रॉपर है, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगा आपको सिर्फ दो वायर में। तो यानी इससे ये प्रूफ हो जाता है कि इसके अंदर इंजेक्टर का फेलियर फिर से आ गया है। तो फ्यूल पंप डालो तो इंजेक्टर फेलियर, इंजेक्टर डालो तो फ्यूल पंप फेलियर। तो चलिए इसके अंदर एक इंजेक्टर डालते हैं फिर आपको दिखाते हैं छिड़काव होता है या नहीं, क्योंकि पहले इंजेक्टर खराब था, इंजेक्टर लगाया गया फिर फ्यूल पंप से इशू हुआ। और जब फ्यूल पंप लगाए देखें रबर भी अभी इससे नहीं किया, अब फ्यूल पंप लगाए फिर इंजेक्टर फेलियर। तो कुछ की पेयरिंग का कनेक्शन साथ तो नहीं कि जब पंप लगाओ तो साथ ही साथ आपको इंजेक्टर लगाना पड़ेगा, इंजेक्टर लगाओ तो साथ ही साथ पंप लगाना पड़ेगा। तो चलिए इंजेक्टर लगाते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या सोल्यूशन तक हम पहुँच पाएंगे या नहीं। तो इंजेक्टर देख पा रहे हैं इसका प्राइस जो है 1519 रुपये है। ये पिछले बार मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है कि कितना प्राइस है, कैसे असेंबल करना है। तो चलिए इसमें छिड़काव चेक करते हैं। तो मेरी वीडियो जो होती है सच्चाई के लिए जानी जाती है। तो अभी देखिए नया इसके अंदर यानी दूसरा इंजेक्टर भी डालें, इसके अंदर भी कोई सप्लाई नहीं, मारो किक मारो। बस करो छोड़ दो, यानी मैकेनिक भाइयों अगर देखा जाए तो ये इंजेक्टर में भी सप्लाई नहीं, इस वाले इंजेक्टर में भी सप्लाई नहीं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये इंजेक्टर इसका परफेक्ट है, यानी इसके पाइपलाइन ब्लॉक हो सकते हैं या फिर इसका ये हो सकता है कि इसका प्रेशर जो है फ्यूल पंप बनाना चाहिए वो नहीं बना पा रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या चीज़ है, फिर आपको बने रहना है वीडियो में क्योंकि सोल्यूशन आपको चाहिए ही चाहिए। अभी देखिए दो दो इंजेक्टर लगाएं कहीं से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। तो मैकेनिक दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिला, आप जैसे इसके इंजेक्टर को ओपन कर दिए ये चेक करने के लिए कि हमारा पंप वहाँ से फ्यूल की सप्लाई कर रहा है, बट जब पंप सप्लाई कर रहा है तो इस पाइपलाइन में तो फ्यूल आना चाहिए। अब इग्निशन को ऑन करते हैं, यहाँ पे फ्यूल की सप्लाई है नहीं, ये देखिए पंप चल रहा है वहाँ से फ्यूल की सप्लाई दे रही बट यहाँ तक प्रेशर के नाम पे कोई चीज़ नहीं। तो जब यहाँ पे हमारा पाइपलाइन पे पेट्रोल नहीं आएगा तो फिर इंजेक्टर छिड़काव कैसे करेगा। तो चलिए इस वाले पाइपलाइन को ओपन करते हैं और देखते हैं इसको एयर प्रेशर यूज करके कहीं से ये ब्लॉक तो नहीं है जो इस तरह से इशू कर रहा है। तो चलिए इस पाइपलाइन को ओपन करते हैं। तो यहाँ से इस पाइपलाइन को ओपन करके आपको दिखाते हैं यहाँ का फ्यूल का सप्लाई। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी प्रेशर है बट वहाँ पर फ्यूल की सप्लाई नहीं जा रहा। तो चलिए इस पाइपलाइन को हम बाहर निकालते हैं। तो काफ़ी मशक्कत के बाद हम लोग प्रॉब्लम तक पहुंच चुके हैं, ये पाइपलाइन जो है पूरी तरह से ब्लॉक है, चाहे इसके अंदर डस्ट पार्टिकल फंस गया होगा या फिर कोई ऐसे कंपोनेंट फंसे हुए हैं जो इसके फ्यूल की सप्लाई होने नहीं दे रहा है। जब इधर से हम एयर प्रेशर यूज करते हैं तो इधर से कोई मूवमेंट दिखने को मिल ही नहीं रहा, यानी मेन इसका जो है ये पाइपलाइन ब्लॉक है। अब इस ब्लॉकनेस को हम क्लीन करेंगे किसी और अन्य चीज़ से, चाहे वाटर प्रेशर या फिर इसके अंदर जो है एयर प्रेशर का यूज करेंगे ताकि क्लीनिंग हमारा जो है प्रॉपर तरीके से हो जाए। चलिए उससे पहले इस ब्लू लॉक को खोलते हैं और लॉक को खोलने के बाद इस कंपोनेंट को बाहर निकालते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि ब्लॉक क्या चीज है। तो इस कंपोनेंट की मैंने टेस्टिंग कर लिया, यह एकदम प्रॉपर तरीके से क्लीन है। मेन जो इसका ये पाइपलाइन जाम है तो इसकी क्लीनिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा उपाय करना पड़ेगा। तो देखिए इसके अंदर प्रेशर का यूज करते हैं और देखते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे हैं इसके कंप्लीट पाइपलाइन को क्लीन कर चुके हैं, अब इसके टेस्टिंग के बारे आते हैं। तो चलिए इग्निशन को ऑन करते हैं, बस कर दो। तो जैसे इग्निशन को ऑन करते हैं अब यहाँ से प्रॉपर तरीके से छिड़काव आना शुरू हो गया, यानी अब इसका इंजेक्टर भी प्रॉपर तरीके से छिड़काव होगा और हमारी गाड़ी स्टार्ट भी होगी। तो चलिए इंजेक्टर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जो इसके अंदर इंजेक्टर लगा हुआ था वही इंजेक्टर इसके अंदर ऐड करते हैं। तो इंजेक्टर ऐड करके डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई भेजते हैं और देखते हैं कि हमारी गाड़ी का जो है वर्क करता है नहीं या नहीं इंजेक्टर। तो हाथ लगाओ तो यहाँ अभी से कीजिएगा, चलो। तो मैकेनिक दोस्तों आप चलिए छिड़काव आपको चेक कराते हैं। तो देख पा रहे हैं इंजेक्टर हमारा प्रॉपर तरीके से छिड़काव करने लगा, अब हमारी गाड़ी जो है इजीली स्टार्ट हो जाएगी, यानी मेन इसके अंदर सिर्फ के सिर्फ पाइपलाइन ब्लॉक था। अब चलिए इंजेक्टर को असेंबल करते हैं और गाड़ी को फाइनल स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम आए तो ये जरूरी नहीं कि आपका इंजेक्टर ही फेलियर हो, आपका पंप ही फेलियर हो, जरूर से जरूर पाइपलाइन जरूर चेक कर लें। तो पाइपलाइन ब्लॉक था, अब चलिए गाड़ी के इसके इंजेक्टर को लगाते हैं और गाड़ी को फाइनल स्टार्ट करते हैं।
तो मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे हैं सारे चीज़ों को असेंबल कर दिए, इंजेक्टर वगैरह में कोई लीकेज नहीं। अब चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इग्निशन को ऑन करते हैं और देखें तो कोई चेक इंजन लाइट नहीं है, गाड़ी स्मोक कर रही है क्योंकि स्टार्ट करके चेकआउट किया गया है। सिंगल किक में हमारी गाड़ियाँ स्टार्ट हैं। तो मैकेनिक दोस्तों आपने देखा किस तरह से मैं प्रॉब्लम तक पहुंचा और उसका सलूशन निकाला। तो आपके पास जब भी इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर से ज़रूर पाइपलाइन चेक करें, क्योंकि बहुत समय डस्ट पार्टिकल आ जाने की वजह से ये ब्लॉक हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सीखने लायक मिला होगा किस तरह से प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट और सल्यूशन निकाला जाता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो लाते रहें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो लेकर, ताकि आप लोग का सोल्यूशन प्रोवाइड हुआ सके। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई एरर नहीं है मीटर में, एरर नाम का चीज़ है ही नहीं। ये देखिए चला गया, कोई एरर नहीं।